डीएवी स्कूल सुंदरनगर का 3 दिवसीय वार्षिक समारोह राजकीय बहुतकनीकी के सभागार में शुरू हुआ। समारोह के पहले दिन शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि विद्युत विभाग के एक्शन इंजीनियर विकास शर्मा बतौर वरिष्ठ अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डीएवी स्कूल निरचंग, डीएवी स्कूल जमथल तथा तेतली स्कूल के प्रधानाचार्य भी विशेष रूप से मौजूद रहे। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मोहित चुग ने मुख्य अतिथि का व अन्य मेहमानों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि अशोक शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। स्कूल के बच्चों ने डीएवी गान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसका सभागार में मौजूद लोगों ने भरपूर सराहना की। प्रधानाचार्य मोहित चुग ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर साल भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्कूल की पत्रिका पनाश का भी विमोचन किया। टीवी परिवार बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस पॉलिटेक्निक के प्रांगण में। एनुअल फंक्शन बच्चों के लिए बहुत अहम दिन होता है हमारे लिए भी, और आपको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डीएवी परिवार से कोई अच्छा काम निकलता है आपके बच्चों के भविष्य की कामना को लेके, तो आप ही तो हैं जो सिटीजनरी में इस सिटी में हमारे खुशी के पलों को साझा करके हमें और गरिमा देते हैं। और आप ही तो हैं जब हमसे कोई कमी, हमारी कोई कमी रह जाती है, तो ये साझा विचार रख के कि अल्टीमेटली हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, भविष्य उनका उज्ज्वल करना है, उसके लिए आप ही तो हैं जो हमें हमारी कमियां भी बताते हैं, और कुल मिला के फिर उन कमियों को दूर करके हम निरंतर आगे बढ़ते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डीएवी स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और बड़े भव्य तरीके से, बड़े यूनिक तरीके से मनाए जा रहे हैं। यहाँ का डीएवी के प्रधानाचार्य मोहित चुग जी बधाई के पात्र हैं। इस ढंग से अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को, जो हमारी समृद्ध संस्कृति है, उसका भी इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया हुआ है, और बच्चों में जिस ढंग से संस्कार डाले जा रहे हैं डीएवी में, ये वास्तव में काबिले तारीफ है, बधाई के पात्र हैं सभी। बड़ा अच्छा यहाँ स्टाफ है, इनकी तैयारी भरपूर है, और मुझे लग रहा है कि ये देश को श्रेष्ठ नागरिक देंगे। इसलिए भी इनके ऊपर गर्व हो रहा है कि ये सरकार की नीतियों के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। हमारा एक सरकार का कार्यक्रम है अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, और ये बड़े अच्छे ढंग से इसको मना रहे हैं अपने पाठशाला में। बधाई के पात्र हैं। समय समय पर हम जो इनको निर्देश देते हैं उनका पालन करते हैं, और अच्छा लगता है जब ऐसे सुंदर ढंग से काम होता है। डीबी स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर एक्सियन पद पर आसीन एक्सियन इंजीनियर विकास शर्मा ने कहा कि डीएवी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बच्चों का आह्वान करते हुए कहा कि वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहें। मुख्य अतिथि ने स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और आज और उस टाइम के 18 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत ट्रांजिशन देखने को मिला है कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ में बीट साइंस, ग्रेविक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की क्या हैं, और एकेडमिक बच्चों ने कैसे जाना है, जैसे मैथमेटिक्स में यूनिक टीचिंग मैथडोलॉजीज देखी। इट इज़ ओवरवेलमिंग टू सी सच ट्रांजिशन इन लास्ट 18 ईयर्स। और वैसे भी डीएवी ग्रुप जो है शायद कंट्री का एक लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड अब तो यूनिवर्सिटीज भी हैं, एंड बहुत लंबी जर्नी इस ग्रुप ने तय की है, और आगे भी एक अच्छे प्रोडक्ट्स स्कूल से निकलेंगे, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो बच्चों में इंकलकेट यहाँ पे वैदिक फीलिंग्स हैं, आर्य समाज के नियम हैं, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मतलब हर चीज़ एक, अगर कोई सही मायने में इसको समझे तो किसी को बाहर सीखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लाइफ में क्या करना है। डीएवी स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जो आज डीएवी द्वारा पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है, उसके लिए मुझे डीएवी संस्थान ने बतौर विशिष्ट अतिथि इन्वाइट किया। मैं बड़ा धन्यवाद हूँ।
था। डीएवी हम ऐसी संस्था है जिस बच्चों में जिसमें हमारी जो संस्कृत से जुड़ी शिक्षा के साथ साथ जो बातें सिखाते हैं वैदिक शिक्षा के साथ, इससे हमारे बच्चों में संस्कार पनपते हैं, अच्छे संस्कार आते हैं और हमारी जो धर्म संस्कृत से जुड़ी शिक्षा बच्चों को मिलती है, इससे जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं वो संस्कारी होकर निकलते हैं। शिक्षा तो सभी संस्थानों से मिलती है पर ऐसी शिक्षा हर संस्थान से नहीं मिलती। इसके लिए हम डीएवी संस्थान के बहुत आभारी हैं कि ये समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं ऐसी शिक्षा दे करके। मैं ये कहूँगा भी डीएवी आपके इस काम में लगातार और आगे बढ़ा रहे और लोगों में अच्छी शिक्षा।